आज हम चौलाई कीमा बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले कुकर में हमने ये सरसों का तेल गरम किया है और ये पाव किलो कीमा है हाथ का। गरम मसालों में 2 तेज़पत्ते, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 1 बादाम का फूल और 2-4 दालचीनी और साथ ही में 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 10 हरी मिर्ची चॉप की हुई, 2 टमाटर और 2 बड़ी प्याज इस तरह चॉप की। सबसे पहले हम इसमें गरम मसाले डालेंगे सारे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, इसी के साथ हम नमक भी डाल देंगे। अब ये प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम कीमा डालेंगे। और मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर। इसमें हम टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। कढ़ाई डाल के कुकर बनाना है। इसे एक सीटी लेना है, फिर बाद में हम इसमें ये चौलाई डाल के फिर प्रेशर कुक करेंगे। इससे पहले एक प्रेशर कुक देना है 1 सीटी तक ना। अभी हम इसमें चौलाई डालेंगे। और 2 कुकर 2 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी लगाएंगे फिर ये भी रेडी हो जाएगा।